हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सेहत की बात। और आज मैं आपसे इस सेहत के बात वाले सेगमेंट में बात करूंगी महिलाओं की सेहत से जुड़ी हुई। और महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, और इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां महिलाएं कर बैठती हैं जिससे वो ना कि शारीरिक बीमार होती हैं बल्कि मानसिक तौर पर भी बीमार हो सकती हैं। तो 5 गलतियां मैं आज आपको बताऊंगी जो महिलाएं अक्सर करती हैं अपने पीरियड्स के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियड्स के दौरान साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और अगर आप पीरियड्स के दौरान हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा भी हो सकता है। तो पीरियड्स के दौरान खून और टिश्यू के नुकसान से भी बैक्टीरिया की समस्या पैदा हो सकती है। ये गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो जिसे हमें आगे नहीं बढ़ाना है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उस बारे में बताते हैं। तो पहली प्रॉब्लम होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम UTI कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो यूरिन ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में इफेक्ट कर सकती है। ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा होती है, और इस इन्फेक्शन से महिलाओं को कई तरह की प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि जलन होना, रैशेज होना, लाल पड़ जाना। इसकी एक तरह का इन्फेक्शन है जिसमें काफ़ी बार खुजली की प्रॉब्लम भी होती है। तो UTI अगर आपकी किडनी में फैलता है तो इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर पड़ सकता है। और दूसरा होता है जेनिटल इन्फेक्शन, जिसे हम जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये एंडोमेट्रियसिस और फेलोपियन ट्यूब में होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये पेरिटोनाइटिस, पेल्विक फोड़े या सेप्टिसीमिया की वजह से हो सकता है, इसका खतरा बढ़ सकता है। जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो सेक्सुअल संपर्क में आने से भी फैल सकता है, या प्रसव या गर्भपात के दौरान भी ये विकसित हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन काफ़ी खतरनाक होता है, आपको इससे काफ़ी बचाव करके रखना है। तो कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के कि आपको जो पीरियड्स के दौरान आपको कौन से हेल्थ मेजर्स लेने चाहिए। और भी कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं आगे बात करते हैं। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस एक प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप अनहाइजीनिक रहते हैं उस दौरान। तो जिन महिलाओं की उम्र बच्चा पैदा करने की होती है उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है, इसका खतरा ज़्यादा होता है। जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध की वजह से भी ये हो सकता है, इससे उसका जोखिम बढ़ जाता है। कुछ स्थितियों में कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते, इसे पहचानना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और कोई कॉमन लक्षण भी हैं जिसमें असामान्य वजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, जलन होने लगती है, और वजाइना से स्मेल भी आने लगती है, ये भी एक सिम्टम देखा जाता है। वहीं एक और इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं, जिसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी आती हैं, जैसे कि HIV इसमें शामिल है। वहीं दूसरा इन्फेक्शन इसी के अंडर आता है जिसे हम एंड्रोजेनस इन्फेक्शन कहते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसे हम बैक्टीरियल वजाइनोसिस भी कह सकते हैं। वहीं तीसरा इन्फेक्शन इसमें होता है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, जो गलत चिकित्सकीय इलाज की वजह से हो सकता है, या फिर असुरक्षित अबॉर्शन या प्रसव से ये हो सकता है। तो पीरियड्स के दौरान आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है ताकि आप ये जितने भी इन्फेक्शन हैं इनको अवॉइड कर सकें। जैसे कि आपको मेंस्ट्रुएशन कप को चेंज करते रहना चाहिए, टेम्पोन को भी बदलते रहना चाहिए, और ऑर्गेनिक कॉटन सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। लंबे समय तक आपको पैड नहीं पहन के रखना चाहिए, इससे आपको जलन, रैशेज या फिर स्मेल जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 से 8 घंटे के अंदर ये बदल देना चाहिए, वैसे तो 3 घंटे में ही आपको पैड्स को चेंज कर देना चाहिए। इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको साफ पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर धूप में सूखे हुए कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। पीरियड्स के दौरान आपको असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, इससे भी आपको कई तरह के इन्फेक्शन फैल सकते हैं। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।